अपहरण के शैली से धरान हॉस्पिटल भोपाल अकादमी खुजलक उपचार के क्रम में उपचार के बहाना से कोरोना भग गई एक हल्ला कलक और जबरदस्ती क्वारंटाइन में आइसोलेशन में लॉ जाके प्रयास कलक फिर जबरदस्ती जो है से कोरोना वाला गाड़ी में बैठाव के प्रयास कलक हमने भी इलाज के क्रम में कोरोना भग गई कहीं के तेहन किस्म के व्यवहार भले इलाज हमरा नहीं कलक जब हमरा कोनो सर्दी नहीं रहे बुखार नहीं रहे खोखी नहीं रहे जब हमरा कोनो रोगे नहीं रहे तो हम ओठा जबरदस्ती इलाज केला करती ओ भोपा कैंप में हमरा जबरदस्ती इलाज कराबे के दबाव देते रहे डिस्चार्ज करला नहीं मानित रहे डिस्चार्ज करना मिलते न नहीं कहे आ दोसर बात है जो पुलिस कहे डिस्चार्ज करना मिलते न आ डॉक्टरों कहे डिस्चार्ज करना मिलते न तो मार के षड्यंत्र हमरा किया करित रहे ओठा दोसर बात जब हमरा कोरोने नहीं रहे हम अपने स्वस्थ छी हम 10 दिन भूख में हड़ताल में रही तो हमरा जे से ब्लड प्रेशर हमर कम हो स्वाभाविक बात है हम कमजोर रही स्वाभाविक बात है लेकिन हमरा काठमांडू इलाज के लागी नहीं ल जा कर बीरगंज हमरा इलाज के नहीं ल जा कर धरान पुगाव के कौन कारण है तो ते दुआरे हम जानकारी कराब चाहे जो हम धरान गेली धरान के बाद में हमरा इलाज नहीं भले इलाज हम नहीं करेली ओकरा सबसे हम क्वारंटाइनों में नहीं बैठली नहीं तो इस सब हमरा सबके वही के डॉक्टर वही के नर्स वही के गार्ड तक हमरा कहलक नेताजी तपाला इन्हर ले मार दी ना कोरोना को बहाना में तपाला मार नहीं यहाँ प्रयास करी रखा छन विजया अरियाल नाम के डॉक्टर लेडीज डॉक्टर है जरा डायरेक्ट DIG से प्रदेश नंबर 2 के DIG से प्रहलाद खत्री नाम के वही हवलदार है जे वही कोनो भी तरीका से एक बाहर नहीं निकाल के आ निकालते तो एक जैसे कोरोना में पठाब के हम कहे हमारा PCR टेस्ट कराओ हॉस्पिटल में कराओ PCR टेस्ट हम कैसा यहीं करवाओ हमको तो उस PCR टेस्ट कराब के लिए तैयार नहीं रहे तो के पछाड़ी बहुत बड़का रहस्य है जे देश में सिलसिलेवार जे हत्या भ रहा है नरसंहार भ रहा है KP ओली के सरकार प्रचंड जी के सरकार में जे राणा शासन के तरह जे शासन भ रहा है अय अंग्रेज के तरह जे शासन कर रहा है एक बात प्रमाणित भले जे हमरा सन लोग के ते तरीका से अपहरण के शैली में लजा के मार के कोरोना के बहाना से मार के सोच बनेलक दोसर बात है जे प्रदेश सरकार अ प्रदेश में 2 नंबर प्रदेश के 8 जिला है ते 8 जिला में डेली जो है से सामाजिको रूप से है अ वर्ग बहुजन समाज के हत्या भ रहा है आ पुलिस कस्टडियो में हत्या भ रहा है एकर कारण कथी है एकर कारण है जे समाज के अखनियो वर्ग समुदाय कोनो ने कोनो बहाना से ओकरा पचि नहीं रहा है दोसर बात है जे अ वर्ग के मुर्गा मुर्गी जाके जे से बुझ रहा है मारि देबे तो की होते खून कर देबे तो की होते हमर मंत्री है प्रदेश में हमर मुख्यमंत्री है प्रदेश में हमर पार्टी के नेता है केंद्र में मंत्री हमर CDO है हमर SP है हमर DIG है तो ते कहीं का जैसे मारि देबे तो कुछ नहीं होते तो अ देश में कानून के राज्य समाप्त भ गेल लोकतंत्र समाप्त भ गेल है एक कम्युनिस्ट तंत्र के नाम से 2-4 गो ब्राह्मण तंत्र के जे है से जहानिया शासन जाके क्रूर शासन कर रहा है ते दुआरे जनता उठ पड़ते जाग पड़ते डेमोक्रेसी के बचाव पड़ते गणतंत्र के बचाव पड़ते संहिता के बचाव पड़ते आ अई देश में जे सब नागरिक है सब नागरिक के बराबर जे है से हक अधिकार दक सम्मान पूर्वक ढंग से बाँच के अधिकार दिए पड़ते से मैसेज देव के लिए हम अखनी जनकपुर में आयल छी अपने कहलिए कि हॉस्पिटल में हमरा मारे के प्रयास के प्लानिंग करने रहे मारे के लिए मतलब कोना अहाँ कहे तो हमरा अहाँ के कोनो बीमारी नहीं रहे तो हमरा अहाँ के डिस्चार्ज किया नहीं करबे अहाँ हमरा कोनो बीमारी नहीं है अहाँ जचली हमरा जाँच करेली हमरा कोनो बीमारी नहीं है अहाँ डिस्चार्ज किया नहीं करबे हमरा हमरा अहाँ जबरदस्ती 5 दिन भरना होकर के अकेला कहबे अहाँ डॉक्टर अहाँ कत से लगल उठा के हमरा तो गरुड़ा के आमरणसन से लगल 12-1 बजे राति में जे 4-5 गोरा हम सब रहते हैं हमरा उठा के लगे हमरा यदि उपचारे करब के रहे तो हमरा बीरगंज रहते ना बीरगंज में मेडिकल कॉलेज है नारायणी अस्पताल है वहू से हमरा इलाजे करब के रहे हमरा यदि बचाभी के रहते तो हमरा काठमांडू पुगा देते कि अय के DIG के पता नहीं है जो विशेंद्र पासवान इंडिया और थाईलैंड में इलाज करूँ नहीं अय के सरकार के पता नहीं है
यही बीमारी आदमी यही अवस्था में आई आई बहुजन समाज के गरीब के।